हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में एक शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ। ये शैम्पू सारे हेयर टाइप्स को सूट करेगा और ड्राई हेयर हैं, डैमेज्ड हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। और जिस शैम्पू की बात मैं कर रही हूँ वो है ये मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू। राइस वाटर के बेनिफिट्स बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता ही है राइस वाटर कितना ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए सी ई होता है, बहुत अच्छे अच्छे और भी न्यूट्रिशन होते हैं जो कि बालों को हेल्दी बनाते हैं, स्किन को हेल्दी बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि राइस वाटर के क्या बेनिफिट्स हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए, उसके लिए उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखना और यूज़ करके भी देखना। तो काफ़ी दिन तक मैंने राइस वाटर को बालों में अपने चेहरे पे यूज़ किया, पर लंबे टाइम तक आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना तामझाम कौन करे। तो आजकल बहुत सारे शैम्पू आ रहे हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें राइस वाटर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए मैं ये शैम्पू आजकल यूज़ कर रही हूँ। इसमें राइस वाटर है, साथ ही साथ कैरेटिन है। कैरेटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा जो कि बालों को स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है और जो भी आपके बालों से जो शाइन चली जाती है उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आप मेरे बालों को देख रहे होंगे, मैंने भी स्मूथनिंग कराई है तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कैसा जो भी मेरे रिव्यूज़ हैं उसका मैं अलग से वीडियो ज़रूर करूँगी। तो ये राइस वाटर कैरेटिन से मिलकर बना हुआ है। ये शैम्पू स्पेशली डैमेज्ड हेयर के लिए है, डैमेज रिपेयर करने का काम करता है। पैराबेन फ्री है, SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारे हेयर टाइप को ये सूट करता है। ये 250 ml का पैक है और शायद इसका यही पैक आता है। अगर छोटा आता होगा तो मैं आपको इमेज दे दूँगी कि इसका छोटा कितने ml का पैक आता है, पर मुझे नहीं लगता इसका छोटा पैक आता है। शैम्पू है, क्लेम करता है कि ये बालों से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को कम करेगा, हेयर ब्रेकेज से प्रिवेंट करेगा आपके बालों को, बालों को सिल्की बनाएगा और स्मूथ हेयर आपको प्रोवाइड करेगा। और ये जो शैम्पू है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो है ही, साथ ही साथ इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किए गए हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट बेस्ड चीज़ें यूज़ की गई हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं, कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं, पर हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। यही रीज़न है कि ये कलर्ड हेयर और ट्रीटेड हेयर, जैसे कि मैंने स्मूथनिंग कराई, आपने स्ट्रेटनिंग ये सब कुछ कराया हुआ है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे, आप देख लेना। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है तो आप बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। वैसे मुझे तो सारे ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सूट कर जाते हैं, मैं काफ़ी सारे शैम्पू ट्राई करती रहती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और फिर भी मैं दे दूँगी लिस्ट, आप देख लेना। कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है, आपको किसी से एलर्जी है तो आप इसको यूज़ ना करें। तो बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे आप मेरे बालों का लेंथ देख सकते हो, तो इतनी लेंथ में मुझे 2 से 3 पंप मैं करती हूँ इसके यूज़, और मेरे बाल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर ऑयल मैं अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा एक पंप और ज़्यादा लेना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है। डाइल्यूट करके अगर आप यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से लेदर करता है, अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करता है, सारी गंदगी जो होती है उसको दूर करेगा। अच्छी बात यह है कि इसको यूज़ करने के बाद बाल ड्राई नहीं होंगे, बड़े स्मूथ रहेंगे और ये नेचुरल ऑयल को रिमूव नहीं करता है, जो एक्सेस ऑयल है बस उसको ही रिमूव करेगा। तो बहुत अच्छे से क्लीन करता है स्कैल्प को, बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे, हेल्दी लगेंगे इसको यूज़ करने के बाद। तो कुछ तरह इस तरह से इसको यूज़ करना है। अच्छे रिज़ल्ट चाहते हो तो आप इसको वीक में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करें। इसके ऊपर एक अच्छा सा कंडीशनर बिल्कुल अप्लाई करें, सीरम यूज़ करें, जिससे कि इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छा है। इसमें राइस वाटर है, पर आप ये मत सोचना कि ये बालों का हेयर फॉल है उसको एकदम से कम करेगा। मतलब मैं इसको काफ़ी दिनों से, कहना चाहिए 15-20 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, पर मेरा जितना हेयर फॉल होता था उतना ही हो रहा है। इसने बढ़ाया नहीं पर कम नहीं किया,
बाकी मेरे बाल थोड़े स्मूदनिंग है तो सिल्की तो लग ही रहे हैं, बाकी ड्राइनेस बिल्कुल नहीं है। अच्छे से ये बालों को नरिश करता है और स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। आपके कलर्ड हेयर हैं और स्मूदनिंग वगैरह जो भी कराई है, ट्रीटेड हेयर हैं, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करूं तो ये 349 रुपीज़ का है। ऑनलाइन आपको इस पर कुछ डिस्काउंट मिल सकते हैं और ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इस शैम्पू को कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं सोच रही थी कि यार अभी मैंने स्मूदनिंग कराई है, ये शैम्पू यूज़ करना चाहिए या नहीं, पर फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मुझे इसको यूज़ करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करेगा, बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे, सिल्की लगेंगे, शाइनी लगेंगे, तो काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। और मैं कहूँगी बजट में भी है क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है, तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप सिल्की हेयर चाहते हो, ड्राइनेस कम करना चाहते हो, फ्रिज कम करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इस शैम्पू को एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।